हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स क्या होते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन यही कि व्हाट मॉलिक्यूल्स कीप अस अलाइव एंड हाउ डू दे डू सो। तो दोस्तों, कौन से मॉलिक्यूल ऐसे जो हमें अलाइव रखते हैं, तो वो कौन से बायोमोलिक्यूल्स और वो कैसे रखते हैं वो अब हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि आ लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर सेवरल कंपाउंड्स टू कंटिन्यू टू लाइव। वी कॉल दिस कंपाउंड बायोमोलिक्यूल्स। ऑल ऑफ दिस बायोमोलिक्यूल्स आर ऑर्गेनिक, यानी कि उनमें कार्बन कंपाउंड होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कार्बन के द्वारा ही बने हुए होते हैं, विच मीन्स दे कंटेन कार्बन। अब कार्बन हैज फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, विच मीन दिस एलिमेंट फॉर्म स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड विद मैनी अदर एलिमेंट्स। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है बायोमोलिक्यूल्स, ऑल्सो बायोमोलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग मैनी स्मॉल यूनिट्स टूगेदर टू फॉर्म ए लॉन्ग चेन। अब जो बायोमोलिक्यूल्स वो कैसे बने होते हैं, जो स्मॉल यूनिट्स हैं उनसे जुड़ जुड़ के वो बने हुए होते हैं, कंबाइन होकर बने हुए होते हैं एक लॉन्ग चेन की। उसमें दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिंथेसिस, और इस प्रोसेस क्या बोलते हैं, सिंथेसिस बोलते हैं। ऑफन ए वाटर मॉलिक्यूल इज रिमूव्ड इन द प्रोसेस, और इस प्रोसेस में एक वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होता है, तो इसको हम कंप्लीट क्या बोल देंगे, डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। आपके जो इस साइड में जो इमेज दिख रही है वो है प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर, जिसमें अमीनो एसिड के ये सीक्वेंस जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब है ऑल ऑफ आवर बायोमोलिक्यूल्स आर क्लासिफाइड इनटू फोर ग्रुप्स। जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स हैं उसको हमने फोर ग्रुप में क्लासिफाइड किया है। फर्स्ट ग्रुप कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। ईच ऑफ दीज क्लासेस हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन, और इन सभी क्लासेस के जो ये हमने कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के, हम सबको पता है कि इनके स्ट्रक्चर भी डिफरेंट और इनके फंक्शन भी डिफरेंट है। अब है सबसे पहले हम चलते हैं हमारे कार्बोहाइड्रेट्स पे। कार्बोहाइड्रेट्स को हम स्मॉल में हम कार्ब्स भी बोल देते हैं। ये क्या है, ये बायोमोलिक्यूल्स है यूज्ड फॉर एनर्जी, जो किसके लिए यूज करते हैं, एनर्जी के लिए एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट के लिए। ब्रेकिंग कार्ब्स डाउन, अगर कार्बोहाइड्रेट ब्रेक होगा तो वो क्या करेगा, हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में हमारे जो किन किन में मिलते हैं, फ्रूट में, मिल्क में, वेजिटेबल में, केक, कैंडी एंड अदर रिफाइंड शुगर प्रोडक्ट आर सिंपल शुगर विच ऑल्सो प्रोवाइड एनर्जी बट लैक विटामिन मिनरल एंड फाइबर्स। कि ये सभी हमें एनर्जी तो देते हैं लेकिन इनके अंदर विटामिन्स, मिनरल और फाइबर बहुत कम होते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। इसमें जो रेशियो रहता है वो क्या रहता है, 1:2:1, यानी कि एक कार्बन होगा, एक ऑक्सीजन होगा और दो हाइड्रोजन होगा। तो जैसे इसमें हम इसी के जो रेशियो से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, C6H12O6, यानी कि कार्बन भी 6 है, ऑक्सीजन भी 6 है, लेकिन हाइड्रोजन कितना है, 12 है। ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोलिसिस मोनोमर यूनिट कौन सी होगी, इसकी मोनोसैकेराइड होगी, डाइमर क्या होगी, डाइसैकेराइड होगी, और पॉलीमर क्या होगी, इसकी पॉलीसैकेराइड होगी। अब मोनोमर वो यूनिट होती है जिसमें इसमें सिंपल शुगर होते हैं, जिसमें मल्टीपल ओएच ग्रुप होते हैं, बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कार्बन 3, 4, 5, 6 या मोनोसैकेराइड इज ट्रायोस, टेट्रोस, पेंटोस और हेक्सोस होता है। बेसिक कंपोजिशन क्या होती है, CH2O ब्रैकेट क्लोज और बाहर N, N नंबर होता है, और इसको हम ये बोल सकते हैं H बॉन्ड C, मतलब C सेंटर में होता है, उसके एक साइड OH, एक साइड H और बाकी के दो बॉन्ड पे हम कुछ भी लगा सकते हैं। ओलिगोसैकेराइड 2 to 10 मोनोसैकेराइड कोवेलेंट लिंक्ड होते हैं। ओलिगोसैकेराइड में जो मोनोसैकेराइड यूनिट होती हैं, वो 2 से लेकर 10 तक कंबाइन होती है, तो हम उसको ओलिगोसैकेराइड बोलते हैं। डाइसैकेराइड में 2 मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़ी होंगी तो उसको डाइसैकेराइड बोल देंगे। पॉलीसैकेराइड में मोर देन 10 सब यूनिट, या फिर हम बोल सकते हैं मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड यूनिट को जुड़ के जो बने हुए होता है उसको हम पॉलीसैकेराइड बोल देते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट को हमने किसमें, शुगर और नॉन शुगर में क्लासिफाइड कर दिया। शुगर में मोनोसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड आ जाएंगे, और नॉन शुगर में होमोपॉलीसैकेराइड और हेट्रोपॉलीसैकेराइड आ जाएंगे।
मोनोसेक्राइड में हमारे एल्डोज और किटोज आ जाएंगे, और ओलिगोसेक्राइड में डाइसेक्राइड और ट्राइसेक्राइड आ जाएंगे। अब मोनोसेक्राइड कौन से थे? सिंपल कार्बोहाइड्रेट से मैंने बताया था, दे कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर यूनिट्स ऑन हाइड्रोलिसिस। अगर हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो स्मॉलर यूनिट में ब्रोक नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि वो खुद ही एक इतने छोटा मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल है, वो कितना टूटेगा, किस में टूटेगा? अब एल्डोज और किटोज, एल्डोज का एग्जांपल हम लेते हैं ग्लूकोज और किटोज का ले लेते हैं फ्रक्टोज। तो इसके स्ट्रक्चर साइड में दे रखे हैं, आप इसके स्ट्रक्चर देख सकते हो कि एल्डोज में तो जो एक एंड होगा उसके ऊपर एल्डिहाइड ग्रुप होगा, लेकिन जो किटोज होगा उसके अंदर जो सेकंड कार्बन है उसके ऊपर क्या होगा? कीटो ग्रुप होगा। ठीक है दोस्तों, अब जो कार्बोहाइड्रेट है ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड को क्या होता है? द कार्बन, द कार्बोहाइड्रेट विच कैन गिव 2 to 10 मोनोसेक्राइड ऑन हाइड्रोलिसिस। एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट जो टूटने पे या फिर हाइड्रोलिसिस पे 2 से 10 मोनोसेक्राइड यूनिट दे। सो दे कैन बी डाइसेक्टेड राइट, लाइक सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। पॉलीसेक्राइड द कार्बोहाइड्रेट विच कैन यील्ड मोर देन 10 मोनोसेक्राइड यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। और जो कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोलिसिस होने के बाद 10 से ज्यादा मोनोसेक्राइड यूनिट दे उसको हम क्या बोल देंगे? पॉलीसेक्राइड बोल देंगे। और इसमें एग्जाम्पल आ जाएंगे स्टार, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। ठीक है, अब इसमें मैंने ओलिगोसेक्राइड के स्ट्रक्चर दे रखे हैं, आप देख सकते हो सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज के। अब यहाँ पे आपके पॉलीसेक्राइड के स्ट्रक्चर हो गए स्टार, सेलुलोज और ग्लाइकोजन के। अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस क्या है कार्बोहाइड्रेट के। कार्बोहाइड्रेट क्या है? मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये क्या करता है? एसेंशियल कंपाउंड्स ऑफ प्रोडक्शन, टेम्परेचर कंट्रोल करता है, प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प करता है डिफरेंट पार्ट्स की। एसेंशियल कंपाउंड है किसका? मिल्क का एज लैक्टोज। दे आर स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन द डाइट इज कन्वर्टेड इनटू फैट एंड स्टोर्ड इन फैट डिपॉट। ठीक है, दीज आर रिजर्व एनर्जी मेटेरियल ऑफ द बॉडी इन लीवर। कहाँ पे स्टोर होते हैं? लीवर में एंड मसल्स ऑफ एनिमल एंड स्टार्च इन प्लांट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट आर हेल्पफुल इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। कार्बोहाइड्रेट किसमें हेल्पफुल है? कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में और फॉस्फोरस इन यंगर एनिमल्स। दे हेल्प इन द सिक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव जूस इन गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। और किसमें हेल्प करता है? डाइजेस्टिव जूस की सिक्रीशन में। ठीक है, अब आगे बारी प्रोटीन की। प्रोटीन सर्व मेनी वाइटल फंक्शंस इन आवर बॉडी, जैसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट, स्पीडिंग अप केमिकल रिएक्शन, ट्रांसपोर्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड मेनी मोर। अब प्रोटीन क्या कंटेन करते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इन एडिशन सल्फर में भी प्रेजेंट एज वेल। मोनोमर इसके अंदर क्या हो गया? अमीनो एसिड, पॉलीमर प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड। ए पेप्टाइड इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड। पेप्टाइड क्या है? चेन है किसकी? अमीनो एसिड की। सो ए पॉलीपेप्टाइड इज अ सेवरल चेन बट टुगेदर। तो पॉलीपेप्टाइड क्या है? बहुत सारी चेन है लेकिन वो एक साथ है। ठीक है, अमीनो एसिड, अमीनो एसिड में क्या क्या होता है? अमीनो ग्रुप होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, हाइड्रोजन होता है, एक वेरिएबल ग्रुप होता है साइड ग्रुप, या भी हम उसको रेजिड्यू बोल सकते हैं। ईच जॉइन टू ए सेंट्रल कार्बन एटम, जो किससे जॉइन होते हैं? सेंट्रल कार्बन एटम से जॉइन होते हैं। नीचे मैंने उसका जो फॉर्मूला है वो दे रखा है कैसे जॉइन होते हैं। ठीक है, अब प्रोटीन अमीनो एसिड आर बाउंड टूगेदर थ्रो किसके किसके द्वारा बाउंड होते हैं? डिहाइड्रोजन सिंथेसिस के द्वारा। द सी ग्रुप यानी कि कार्बन ग्रुप ऑफ वन अमीनो एसिड बाइंड टू द एन ग्रुप ऑफ अनदर। जो कार्बन ग्रुप होगा एक अमीनो एसिड का वो दूसरे के एन ग्रुप से जाके बाइंड करेगा। वी कॉल दिस बाउंड पेप्टाइड बॉन्ड, और हम इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। अब इसको हमने फोर फेसेस जो प्रोडक्शन में होते हैं इसके प्रोटीन के, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरली। प्राइमरी में अमीनो एसिड आर बाउंड टुगेदर, प्राइमरी में अमीनो एसिड एक दूसरे से बाउंड करते हैं। सेकेंडरी में इंडिविजुअल अमीनो एसिड आर बेंट एंड मोल्डेड एज नीडेड। सेकेंडरी में वो बेंट भी होते हैं और मोल्ड भी कर सकते हैं, मोल्ड भी हो जाते हैं अपनी जरूरत के हिसाब से। टर्शियरी में द एंटायर चेन ऑफ अमीनो एसिड, जो पूरी पूरी चेन है वो बेंट होगी और मोल्ड होगी एज नीडेड उनकी जरूरत के हिसाब से, और फॉर्मिंग एक सबयूनिट और एक
सब यूनिट बना देगी। क्वाशनरी मल्टीपल कंप्लीट सब यूनिट होंगी फिटेड टुगेदर टू मेक ए कंप्लीट प्रोटीन। अब टाइप ऑफ प्रोटीन में हमको पता है फाइब्रस ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। फाइब्रस कौन से होते हैं? इन्वॉल्व इन स्ट्रक्चर्स, जो स्ट्रक्चर्स में इन्वॉल्व होते हैं टेंडन लिगामेंट ब्लड क्लॉट एग्जाम्पल कोलाजन एंड स्पाइडर सिल्क। कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन इन मूवमेंट मसल्स और माइक्रोट्यूबल्स। साइटोस्केल्टन माइटोटिक स्पिंडल सीलिया और फ्लैजिला। ग्लोबुलर प्रोटीन में मोस्ट प्रोटीन विच मूव अराउंड, जो मूव करते हैं जैसे एल्ब्यूमिन और केसिन इन मिल्क। प्रोटीन विच बाइंडिंग साइट कौन से होते हैं? एंजाइम्स हीमोग्लोबिन इम्यूनोग्लोबिन मेम्ब्रेन रिसेप्टर साइट। प्रोटीन क्लासिफाइड बाय फंक्शन, अब हमने प्रोटीन को क्लासिफाइड कर दिया उनके फंक्शंस के उस पे। तो सबसे पहले क्लास प्रोटीन, क्लास ऑफ प्रोटीन कौन सी है? स्ट्रक्चरल है, जिसमें क्या है, क्या काम है इसका? स्ट्रक्चरल कंपोनेंट प्रोवाइड करता है एग्जांपल कोलाजन और केराटिन। अब कॉन्ट्रैक्टाइल सेकंड क्लास है इसकी, वो क्या करता है? मसल्स को, मसल्स की मूवमेंट में हेल्प करता है, जिसमें एग्जांपल क्या आ जाएंगे? मायोसिन और एक्टिन। थर्ड क्लास क्या है? ट्रांसपोर्ट है, जो इसके नाम से पता लग रहा है क्या काम होगा इसका? एसेंशियल सब्सटेंस को इधर से उधर बॉडी में ट्रांसफर करना, एग्जांपल हीमोग्लोबिन और लिपोप्रोटीन। फोर्थ क्लास क्या है? स्टोरेज है, जो क्या करेगी? न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करेगी, इसमें एग्जांपल हमारा केसिन और फेरिटिन। अब नेक्स्ट क्या है? हार्मोन है। हार्मोन क्या करता है? मेटाबॉलिज्म होता है जो हमारी बॉडी का या फिर नर्व सिस्टम का, उसको रेगुलेट करता है, एग्जाम्पल इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट क्लास क्या है? एंजाइम। एंजाइम क्या करता है? हमको पता है बायोकेमिकल रिएक्शन जो होती है हमारी बॉडी में या फिर सेल में, उसको कैटालाइज करता है, इसमें एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? सुक्रेज और ट्रिप्सिन। अब नेक्स्ट क्लास कौन सी है? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन में क्या आ जाएगा? रिकॉग्नाइजिंग एंड डिस्ट्रॉय फॉरेन सब्सटेंसेस, इसमें क्या करेगा? ये रिकॉग्नाइज करेगा फॉरेन सब्सटेंस को, उसे डिस्ट्रॉय कर देगा। इसमें एग्जाम्पल क्या देगा? इम्यूनोग्लोबुलिन। अब जो हमारा नेक्स्ट आ गया वो आ गया न्यूक्लिक एसिड। टू टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड आर फाउंड, दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं। कौन कौन से? डीएनए आर एन ए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब फर्स्टली इसमें क्या है डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे यूकैरियोटिक सेल में। डीएनए कहां मिलता है? न्यूक्लियस में या फिर स्मॉल अमाउंट में माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, लेकिन आरएनए पूरी सेल में थ्रू आउट द सेल मिलता है, ठीक है। डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल, द सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या है? प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, पार्शियली रेस्ट्रिक्टेड टू द न्यूक्लियस। द अमाउंट ऑफ डीएनए इन सोमेटिक सेल्स या फिर बॉडी सेल्स ऑफ एनी गिवन स्पीसीज इज कॉन्स्टेंट लाइक द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। द डीएनए कंटेंट ऑफ गैमेट इज हाफ दैट ऑफ द सोमेटिक सेल। इन केस ऑफ पॉलीप्लॉइडी मल्टीपल सेट ऑफ क्रोमोसोम द डीएनए कंटेंट इंक्रीज बाय प्रोपोर्शनल फैक्टर। द म्यूटाजेनिक इफेक्ट ऑफ यूवी लाइट पीक्स एट 253.7 नैनोमीटर, द पीक ऑफ द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूवी लाइट बाय डीएनए। न्यूक्लिक एसिड स्ट्रक्चर, न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीन्यूक्लियोटाइड और देयर बाइंडिंग ब्लॉक्स कौन से? न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है। अब न्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर में क्या होता है? नीचे न्यूक्लियोटाइड, उसके साथ फॉस्फेट शुगर राइबोज या डीऑक्सीराइबोज, बेस प्यूरिन या पायरिमिडिन उसके साथ अटैच होते हैं। अब राइबोज क्या होता है? राइबोज क्या है? पेंटोज है। तो ये स्ट्रक्चर है पेंटोज का, कि बीच में एक ऑक्सीजन है, उसके साइड में एक ऑक्सीजन और उसके दोनों साइड C1, C4 और C4 के साथ C5 एंड C3, C3 के साथ C2 और C2 के साथ अटैच है C1। तो क्या, कौन सा स्ट्रक्चर बना रहे हैं? पेंटोज स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। तो हमने इसको क्या बोल दिया कि राइबोज क्या है? पेंटोज है। अब राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में डिफरेंस क्या है ये देखेंगे। नाम से पता लग गया कि राइबोज में तो एक ऑक्सीजन ज्यादा है, डीऑक्सीराइबोज में राइबोज से एक ऑक्सीजन कम है, ठीक है। अब जो शुगर फॉस्फेट बैकबोन है, द न्यूक्लियोटाइड आर ऑल ओरिएंटेड इन द सेम डायरेक्शन, जो न्यूक्लियोटाइड है वो सेम डायरेक्शन में ओरिएंटेड है। द फॉस्फेट ग्रुप जॉइन द थर्ड कार्बन ऑफ वन शुगर टू द फिफ्थ कार्बन ऑफ द नेक्स्ट इन लाइन। जो फॉस्फेट ग्रुप है वो
जो थर्ड कार्बन है फर्स्ट शुगर की और फिफ्थ कार्बन किसकी है नेक्स्ट शुगर की उससे अटैच होंगे, ठीक है। एडिंग इन द बेस आर अटैच टू द फर्स्ट कार्बन, जो बेस है वो किससे होगा फर्स्ट कार्बन से अटैच होगा। द ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट, इट डिटरमाइन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और इसका ऑर्डर क्या है बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को डिटरमाइन करता है किसी भी मॉलिक्यूल के, ठीक है। अब डीएनए किससे मिलके बनाता है, टू स्टैंड्स ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, और उनके बीच में कौन से होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। डीएनए इज मेड अप ऑफ टू स्टैंड ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, द सिस्टर स्टैंड ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल रन इन अपोजिट डायरेक्शन, तो हमको पता है कि डीएनए मॉलिक्यूल्स के जो दोनों स्टैंड है वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, यानी कि एंटी पैरेलल होते हैं। दे आर जॉइंट बाय द बेसिस, और वो किसके थ्रू जॉइन होते हैं बाय द बेसिस। ईच बेस इज पेयर्ड विद अ स्पेसिफिक पार्टनर, हर एक बेस है वो किसके साथ पेयर्ड होगा एक स्पेसिफिक पार्टनर के साथ। जैसे ए है वो हमेशा टी के साथ पेयर करेगा, जी है वो सी के साथ पेयर करेगा, प्यूरीन एंड पायरिमिडीन। दस द सिस्टर स्टैंड आर कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री बट नॉट आइडेंटिकल, वो क्या होंगे कॉम्प्लीमेंट्री होंगे लेकिन सेम नहीं होंगे। द बेस आर ज्वाइंट बाय हाइड्रोजन बॉन्ड, और जो बेस है वो किससे ज्वाइन होंगे हाइड्रोजन बॉन्ड से। इंडिविजुअली वीक बट कलेक्टिवली स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इंडिविजुअली तो क्या होंगे कमजोर होंगे, लेकिन अगर उनको एक साथ देखेंगे तो क्या होंगे स्ट्रॉन्ग होंगे। फंक्शन, अब इसके हम फंक्शन पढ़ते हैं न्यूक्लिक एसिड के। डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, हेलिकल होता है, पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड होता है, फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। फंक्शन क्या होता है स्टोरेज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। अब राइबो न्यूक्लिक एसिड सिंगल स्टैंड होता है, नॉन हेलिकल होता है, पॉलीमर किसका था राइबो न्यूक्लियोटाइड का, कहाँ मिलता है न्यूक्लियस में एंड साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। फंक्शन क्या होता है ट्रांसफर करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। फर्दर डिवाइडेड, ये फर्दर किस में डिवाइड होता है थ्री टाइप्स में, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। एमआरएनए यानी कि मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए, टीआरएनए यानी कि ट्रांसफर आरएनए या फिर सोल्युबल आरएनए। इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं, मैसेंजर आरएनए का हमें पता है कि मैसेंजर का काम करता है, इट इज कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी ऑफ सिलेक्टेड रीजन ऑफ द डीएनए, इट कैरी द जेनेटिक मैसेज फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द साइटोप्लाज्म, एक्ट एज द टेम्पलेट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। राइबोसोमल आरएनए क्या करता है, आरएनए अलोंग विद प्रोटीन फॉर्म्स द राइबोसोम्स विच इज द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, सम ऑफ दीज हैव कैटालिटिक एंड कोएंजाइम फंक्शंस एज वेल। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, ट्रांसफर करता है किसको अमीनो एसिड को, कहां से फ्रॉम द साइटोप्लाज्म टू द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, कहां से साइटोप्लाज्म से जहां प्रोटीन सिंथेसिस हो रहे वहां, ठीक है। अब आ गया लिपिड्स, लिपिड्स आर हेट्रोजीनस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, लिपिड क्या हेट्रोजीनस ग्रुप है किसका कंपाउंड्स का, जिसमें क्या क्या होते हैं फैट होता है, ऑयल होता है, स्टेरॉइड होता है, वैक्स होता है और रिलेटेड कंपाउंड इनसे। दीज आर रिलेटेड मोर बाय देयर फिजिकल देन बाय केमिकल प्रॉपर्टीज, दे हैव कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ बींग रिलेटिव इन सोल्यूबल इन वाटर एंड सोल्यूबल इन नॉन पोलर सोल्यूशन सच एज ईथर एंड क्लोरोफॉर्म, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन इसकी हमने कर दी सिंपल लिपिड, कंपाउंड लिपिड और ड्राई लिपिड। सिंपल लिपिड में हम ईस्टर और फैटी एसिड ले सकते हैं, फैट और वैक्सीज। कंपाउंड लिपिड में हम ले सकते हैं ईस्टर और फैटी एसिड एंड एल्कोहल कंटेंट ऑन अदर ग्रुप्स। डिराइव्ड लिपिड में क्या ले सकते हैं, कंपोज्ड ऑफ हाइड्रोकार्बन रिंग एंड ए लॉन्ग हाइड्रोकार्बन साइड चेन। फैटी एसिड, दीज आर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लिपिड। फैटी एसिड क्या है, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है किसके, लिपिड के। फैटी एसिड आर कार्बोक्सिलिक एसिड, फैटी एसिड क्या है कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो नीचे स्ट्रक्चर दे रखा है कि एक साइड मिथाइल ग्रुप है, बीच में हाइड्रोकार्बन चेन है और एक साइड एसिड ग्रुप है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन फैटी एसिड की कर दी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में दो टाइप हो गए, मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड। अब फैटी एसिड में सैचुरेटेड में क्या होगा, कार्बन चेन फिल्ड विद हाइड्रोजन एटम, नो डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन। सैचुरेटेड फैट
ट्राइग्लिसराइड कंटेन थ्री सैचुरेटेड फैटी एसिड सच एज एनिमल फैट बटर या लार्ड एंड ट्रॉपिकल ऑयल्स पाम और कोकोनट अपीयर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और ये क्या होते हैं, रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। अनसैचुरेटेड कार्बन कंटेंट लैक सम हाइड्रोजन और एक या एक से ज्यादा हम इसमें डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, ठीक है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट ट्राइग्लिसराइड कंटेंट फैटी एसिड वन डबल बॉन्ड, अगर मोनो अनसैचुरेटेड है तो वन डबल बॉन्ड मिलेगा, पॉली है तो एक से ज्यादा भी मिल सकता है, ठीक है, मोर देन टू, ठीक है। इसमें एग्जांपल कॉर्न ऑन सैफ्लावर, ठीक है, सोयाबीन सनफ्लावर ऑयल एंड फिश अपीयर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, क्या होते हैं लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। अब सैचुरेटेड फैटी एसिड इसमें मैंने देखो लेंथ ऑफ कार्बन चेन दिखा रखी है, स्टेरिक एसिड कितनी होती है 18 कार्बन होती है और सैचुरेटेड होती है, ये क्या है सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर है। ओलिक एसिड 18 कार्बन होते हैं मोनोसेक्राइड है, लिनोलिक एसिड 18 कार्बन लेकिन पॉलीसेक्राइड है, क्यों है क्योंकि इसमें हम देख पा रहे हैं कि डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, ठीक है। मोनो अनसैचुरेटेड में एक डबल बॉन्ड था, ये पॉली अनसैचुरेटेड है तो इसमें दो डबल बॉन्ड है, दो या दो से ज्यादा हो तो वो पॉली अनसैचुरेटेड में होता है। फैटी एसिड आर एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स, वाई एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल्स क्यों है फैटी एसिड, बिकॉज दे हैव बोथ पोलर एंड नॉन पोलर पोर्शन इन देयर स्ट्रक्चर, क्यों है क्योंकि इनके पास पोलर और नॉन पोलर दोनों टाइप के स्ट्रक्चर या फिर पोर्शन होते हैं उनके स्ट्रक्चर में, ठीक है। और उसको हम पोलर होगा वो हाइड्रोफिलिक और नॉन पोलर होगा वो हाइड्रोफोबिक होगा, ठीक है, ये इसमें पोलर और नॉन पोलर एंड दिखा रखे हैं। टाइप ऑफ लिपिड में आ गया ट्राइग्लिसराइड फॉस्फोलिपिड और स्टीरोल्स। ट्राइग्लिसराइड में ट्राइग्लिसराइड कौन से फैट और ऑयल्स, प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ फैट इन फूड एंड मेजर स्टोरेज फॉर्म ऑफ फैट इन द बॉडी, स्ट्रक्चर कम्पोज ऑफ थ्री फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। ट्राइग्लिसराइड का स्ट्रक्चर क्या होगा, थ्री फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, ठीक है। फॉस्फोलिपिड सिमिलर टू ट्राइग्लिसराइड इन स्ट्रक्चर, इसमें क्या होगा टू फैटी एसिड होंगे प्लस कोलिन होगा। फॉस्फोलिपिड्स इन फूड लैक्टिथिन एग योक सोयाबीन व्हीट जम और पीनट, ठीक है, ये लैक्टिथिन का स्ट्रक्चर है, फॉर्म टू फैटी एसिड है, द प्लस चार्ज ऑन द एन एन पे जो प्लस चार्ज है इज बैलेंस्ड बाय नेगेटिव आयन यूजुअली क्लोराइड, ठीक है, फ्रॉम कोलीन, ये फ्रॉम फॉस्फेट से आया था और ये जो ऑरेंज ऑरेंज में आपको दिख रहा है ये ग्लिसरॉल से आया था, ठीक है। फॉस्फोलिपिड का ये स्ट्रक्चर है कि उसमें आउटसाइड सेल भी होती है और इनसाइड सेल भी होती है और बीच में ये आपको स्ट्रक्चर दिखा रखा है फॉस्फोलिपिड का, ये वाटरी फ्लूड होता है, ग्लिसरॉल हेड्स होता है, फैटी एसिड की टेल होती है, दोनों साइड इसके वाटरी फ्लूड का, जो ये हेड जो गोल गोल है ये ग्लिसरॉल हेड है और ये जो टेल दिखा रखी है क्या फैटी एसिड है। अब स्टीरोल्स का स्ट्रक्चर मैं यहाँ पे दे रखा है कोलेस्ट्रॉल और विटामिन D3, स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ कार्बन रिंग, यानी कि ये ऐसे स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन के रिंग है। अब स्टीरोल्स इंपॉर्टेंट पार्ट सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोन विटामिन डी बाइल एड्रेनल हार्मोन कोर्टिसोल कोलेस्ट्रॉल इन फूड मेड बाय द लीवर डाइटरी सोर्स इंक्लूड एग योक लीवर मीट और डेयरी प्रोडक्ट। फंक्शन ऑफ लिपिड, लिपिड का फंक्शन क्या होंगे, लिपिड स्टोर एनर्जी फॉर लेटर यूज बाय द बॉडी, ठीक है, लिपिड ऑल्सो सर्व एज पैडिंग एंड प्रोटेक्टिंग फॉर द बॉडी। लिपिड डू नॉट डिजोल्व इन वाटर, हाइड्रोफोबिक होता है बट मे कंटेन पार्ट दैट कैन डिजोल्व इन वाटर, लेकिन उसके कुछ पार्ट हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाएंगे, ठीक है। द एच रेशियो ओ इज हायर इन लिपिड देन इन इट इज इन कार्बोहाइड्रेट, एच हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है वो ज्यादा होगा किसमें लिपिड्स में, किससे ज्यादा होगा कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा होगा, ठीक है। लिपिड क्या है, हमारी एनर्जी को स्टोर करते हैं ताकि हम उसको बाद में यूज कर सकें, और लिपिड क्या करते हैं हमारी प्रोटेक्शन बॉडी की प्रोटेक्शन के लिए भी यूज होते हैं
और ये वाटर में डिजोल्व नहीं होते, लेकिन इनके कुछ पार्ट हैं जो वाटर में डिजोल्व हो जाते हैं, और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो है वो इसमें ज़्यादा पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, इसमें हमारा जो बायोमोलिक्यूल्स है वो कंप्लीट हो गया। थैंक यू दोस्तों अपना कीमती समय मेरे को देने के लिए, कृपया करके कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।